तो जो टीन स्टाइलिंग मैंने कैरी करी थी वो आप एक बार दोबारा से देखें तो मेल फैशन में बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप चीज़ें हैं, कुछ कलर्स को लेके, कुछ पैटर्न्स को लेके, कुछ स्टाइलिंग को लेके। आज उन कुछ बॉलीवुड सेलेब्स की बात करेंगे जो स्टीरियोटाइप को ब्रेक करते हैं और एक बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं, मेल्स के लिए एक इंस्पिरेशन बनते हैं। रणवीर सिंह, बबील खान, अली फैजल, विनय वर्मा, जिम साहब। हेलो गाइस, सत श्री अकाल, किद्दां? तो गाइज मैं बस रेडी होके घर से बाहर जा ही रहा था घूमने के लिए कि मेरे के सामने खड़ा होता हूँ, उतनी देर में पीछे से आवाज आती है कि ये क्या लड़कियों वाला कलर पहना हुआ है, और मैं एकदम से हैरान हो जाता हूँ। मुझे गुस्सा तो बहुत आता है बट फिर भी मैं चेंज करने चले जाता हूँ। उतनी देर में फिर पीछे से आवाज आती है कि ये क्या लड़कियों वाला पैटर्न पहना हुआ है, ये फूल पत्ते तो लड़कियां पहनती हैं। तो गाइज इस टाइम पे मेरा दिमाग हो चुका गर्म, मुझे आ रहा बहुत ज्यादा गुस्सा, बट फिर भी मैंने अपना गुस्सा शांत किया और मैं फिर से ड्रेस चेंज करने चला गया। उतनी देर में फिर पीछे से आवाज आती है ये क्या लड़कियों वाला कुर्ता पहन के आ गया है। ये बात सुनने के बाद मुझे आ गया गुस्सा और यहाँ मेरे अंदर का रणवीर सिंह जाग चुका है। अब इस बात का जवाब देना बनता है। तो मेल फैशन में बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप चीजें हैं, कुछ कलर्स को लेके, कुछ पैटर्न्स को लेके, कुछ स्टाइलिंग को लेके। ये फैशन लड़कों का नहीं है, ये फैशन लड़कियों का है। तो ये कितने सालों से स्टीरियोटाइप चला आ रहा है, आज उन कुछ बॉलीवुड सेलेब्स की बात करेंगे जो स्टीरियोटाइप को ब्रेक करते हैं और एक बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं, मेल्स के लिए एक इंस्पिरेशन बनते हैं जिसमें आप कुछ भी फैशन कर सकते हो, स्पेशली फॉर मेल्स। तो उनमें सबसे पहले नाम आता है रणवीर सिंह का। बॉलीवुड में जब भी फैशन की बात होती है हमेशा रणवीर सिंह का नाम ध्यान में आता है, क्योंकि वो हमेशा से बहुत यूनिक ड्रेसेस पहनते हैं, यूनिक स्टाइलिंग करते हैं और बहुत डिफरेंट कलर के साथ वेरिएशन करते हैं अपने ड्रेस के साथ, और वो इतने एनर्जेटिक हैं और वो इतनी एनर्जी से अपना फैशन कैरी करते हैं कि ऑल द टाइम उनको कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं अपने फैशन के लिए, अपने ड्रेसेस के लिए। इवन कि दीपिका पादुकोण बहुत बारी बोल चुकी हैं कि वो मेरे कपड़े भी पहन लेते हैं, और रणवीर सिंह इस बात को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं कि फैशन का कोई जेंडर नहीं होता, आप कोई भी फैशन कर सकते हो, आप कुछ भी पहन सकते हो, आप कोई भी कलर, कोई भी पैटर्न, कोई भी स्टाइलिंग कर सकते हो, और हमेशा कुछ नया ट्रेंड सेट करते हैं। तो इसके बाद गाइस नाम आता है बबील खान। बबील खान जो है वो इरफान खान के बेटे हैं, वो भी स्टाइलिंग में बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट पैटर्न ट्राई करते हैं, और वैसे तो बहुत कैजुअली रहते हैं बट जब भी वो किसी इवेंट या किसी फंक्शन में जाते हैं तो उनकी स्टाइलिंग बहुत डिफरेंट, बहुत यूनिक होती है। और ये भी वन ऑफ द बॉलीवुड सेलेब्स हैं जो कि उस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि मेल्स के लिए फैशन बहुत लिमिटेड है। तो ये भी बहुत ज्यादा डिफरेंट कलर में, बहुत ज्यादा स्टाइलिंग में और बहुत ज्यादा डिफरेंट पैटर्न में अपनी ड्रेस के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आ जाएंगे। इसके बाद गाइस नाम आता है अली फैजल का। अली फैजल जो है बहुत ही नोन है, उनकी एक बहुत फेमस सीरीज है मिर्जापुर जिसमें गुड्डू भैया का कैरेक्टर किया उन्होंने। हालांकि अली फैजल काफी बल्की है, इवन आफ्टर की बॉडी कुछ नया, कुछ यूनिक फैशन ट्राई करते हैं जो कि मेल्स फैशन में वो कलर ज्यादा पहना नहीं जाता था, ये कलर भी लड़के पहन सकते हैं, बहुत डिफरेंट स्टाइलिंग ट्राई करते हैं और कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट अपने लुक के साथ करते रहते हैं। इसके बाद गाइस नाम आता है विनय वर्मा का। ये हमेशा आपको सूट में दिखेंगे बट इनकी सूट्स की जो वैरायटी है वो काफी यूनिक और काफी स्टाइलिश है, बहुत सारे डिफरेंट कलर पहनते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स ट्राई करते हैं। तो ये सूट स्टाइलिंग में बहुत ही डिफरेंट यूनिक पैटर्न्स ट्राई करते हैं और उसमें एक ट्रेंड सेट करते हैं, और ये इतने चार्मिंग है, ये उसको इतने अच्छे से कैरी करते हैं कि उसको प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो भाई इसके बाद नाम आता है जिम साहब का। जिम साहब चार्मिंग, बहुत ही गुड लुकिंग एक्टर हैं और इन्होंने काफी सारे ब्रांड एंडोर्समेंट किए हैं जिसमें से फैशन के भी काफी ब्रांड किए इन्होंने, और ये रैम वॉक भी करते हैं, और इन्होंने काफी ब्रांड एंडोर्स करते हुए कि फैशन जो है वो किसी जेंडर से रिलेट नहीं करता, आप कोई भी फैशन कर सकते हो, कोई भी कलर पहन सकते हो, जो आपको पसंद है आप वो पहन सकते हो। ये भी काफी यूनिक और काफी बोल्ड स्टाइलिंग कैरी करते हैं। और इसके बाद एक ऐसा नाम जो बॉलीवुड में एक ब्रांड बन चुका है, करण जौहर भी आपको बहुत सारे डिफरेंट स्टाइलिंग, बहुत डिफरेंट पैटर्न में दिखेंगे, और ये भी बहुत ही फंकी स्टाइलिंग भी कैरी करते हैं, बहुत डिफरेंट पैटर्न्स भी पहनते हैं, सूट्स में काफी वैरायटी ट्राई करते हैं, सूट्स में काफी डिफरेंट पैटर्न ट्राई करते हैं और एक नई लुक के साथ हमेशा आपको दिखेंगे। और इनके फैशन में एक यूनिक चीज होती है कि बहुत ही यूनिक फ्रेम स्टाइलिंग यूज करते हैं, और ये भी बहुत एक्सपेरिमेंटल है, अपने लुक के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं और कुछ नई चीजें ट्राई करने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। इन सब बॉलीवुड एक्टर्स में एक कॉमन पर्सपेक्टिव है, ये सब अपनी स्टाइलिंग को लेके बहुत एक्सपेरिमेंटल रहते हैं और कुछ अलग, कुछ यूनिक ट्राई करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। हमेशा फैशन को कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करना है और एक्सपेरिमेंटल जरूर रहें अपनी फैशन के साथ, कभी भी कुछ फैशन ट्राई करें उसमें हेजिटेट ना हो। तो गाइस इतनी बात करने के बाद अब मेरा गुस्सा हो गया शांत, जो रणवीर सिंह मेरे अंदर से बाहर आए थे वो वापस अंदर चले गए हैं। तो गाइस मैं जहाँ जा रहा था अब मैं जहाँ घूम के आता हूँ,
तो जो टीन स्टाइलिंग मैंने कैरी करी थी वो आप एक बार दोबारा से देखें। कलर स्टाइलिंग पैटर्न को लेके कोई स्टीरियोटाइप नहीं है, आप कुछ भी पहन सकते हैं, कोई भी कलर कैरी कर सकते हैं, कोई भी पैटर्न पहन सकते हैं, कोई भी स्टाइल कैरी कर सकते हैं। मुझे जो पसंद है वो तो मैं पहन के बाहर जा रहा हूँ, और आपको जो पसंद हो आप वो पहने। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।